नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त आपका भाई देशराज बिरथल। आज मैं आपके लिए नई जानकारी लेके आया हूँ, जो इसार सफ़ेदा वैरायटी उसका प्लांटेशन पौधा प्लांटेशन कैसे किया जाता है, ज़मीन के अंदर हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो बेस होता है वो पौधे का प्लांटेशन बेस पे ही डिपेंड होता है। इसलिए मैं आपको पहले तो इसकी फ्लावरिंग दिखा देता हूँ, जो इसे हमने तैयार किया है वो पौधा। दिखाइए फ्लावरिंग, देखिए इसके अंदर गुच्छों के अंदर फल आया हुआ है, एक एक जगह 10-10, 15-15 फल आए हुए हैं, और इसी वैरायटी के आज हम प्लांटेशन करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, हम अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले तो जो चीज़ें, हमने खड्डा प्रिपरेशन पहले से कर रखा है गड्ढे को, तो इसमें हमने 2.5 फीट खुदाई की थी और बाद में जो ऊपर की मिट्टी थी साइडों की वो लेके डाल दी, और इससे हमने इसको नरम कर लिया। देखो बिल्कुल नरम हो गई। तो बाद में चाहिए हमें प्लांट वर्मी कंपोस्ट। देखिए आप, क्योंकि ये हमें इसलिए डाल लेंगे जिससे है ना, जो प्लांट का न्यूट्रिशन हो हमें तुरंत मिले, जो गोबर की खाद है उससे हमें 4 गुना ज़्यादा न्यूट्रिशन जल्दी मिलता है। दूसरा चाहिए पानी, तो इसके अंदर हमने मिट्टी को भुरभुरा करके डाल लिया, बाद में हम डालते हैं इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया, मिक्स होने के बाद में हमें क्या करना है कि ये प्लांट है जो अभी आपको दिखाया गया था पौधा, इसके अंदर देखिए आप, यहाँ पे फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, फ्लावरिंग, तो इसके अंदर जल्दी स्टार्ट होती है। ये जो वैरायटी है ये हिसार सफ़ेदाई वैरायटी है, इसको हमें ब्लेड से कट करना है ताकि जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल भी हिले ना। बाकी थोड़ा बहुत हिल जाए तो प्रॉब्लम भी नहीं होती, थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो हिलेगी नहीं। देखिए ये हो गया, इसके अंदर हमें ज़्यादा गहरा नहीं लेना है, जितना हमें रिक्वायरमेंट है ये ढक जाए इतना ही गहरा लेना है। ऐसे कम हो गया, इसके अंदर हो गया। और एक ध्यान रखने वाली बात है, प्लांट को हमें पहले से ही सीधा रखना पड़ेगा, बाद में ये ऐसे चल पड़ेगा दिक्कत हो जाएगी, लकड़ी वगैरह लगानी पड़ेगी। पहले से ही सीधा कर लिया हमने प्लांट को। और क्या करना है, इसको हो गया, अब अच्छी तरह से दबा दो इसको ताकि इसमें हवा ना रहे, और हवा रहेगी तो जड़ों के अंदर फंगस आ जाएगी, उसके अंदर जगह रहेगी, तो अच्छी तरह से दबा दो, या फिर ऐसे करके भी दबा सकते हो आप। हो गया। और जो ये है यहाँ से ग्राफ्टेड है, तो नीचे है इसके साइड में आपको मिट्टी रखनी पड़ेगी, क्योंकि पौधा का जो छाल होती है इतने की, उसको अगर पानी टच कर गया तो ये गल जाएगा, और गलने के बाद में क्या होगा, इसमें दीमक का प्रकोप आ जाएगा तुरंत बाद, तो इसके अंदर हमें पानी टच नहीं होना देना चाहिए। अगर पानी टच हो गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसके अंदर बाद में दीमक आ जाएगी, फंगस आ जाएगी और निमाटोड आ जाएगी, तो इसलिए हमें ये तो प्रिपरेशन हो गया। अब डालते हैं हम पानी, पानी हमें स्टार्टिंग में बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता डालना पड़ेगा, आराम से अभी रुक जाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी नहीं टूटनी चाहिए। अभी इसके अंदर आधा लीटर पानी और बचा है और आधा लीटर पानी डल गया। अब इस पौधे का प्लांटेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमें पानी देना, कल शाम को ही पानी देंगे, 24 घंटे के बाद में हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। तो अब डाला इससे हाफ पानी, यानी 10 लीटर डाला, अभी 5 लीटर पानी डालना पड़ेगा आपको, उसके बाद में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और अगर जहाँ पे निमाटोड आते हैं वहाँ पे आपको इसके अंदर निमाटोड के लिए ट्राइकोडर्मा या फिर कार्बोफ्यूरन वगैरह, जो आप अगर पेस्टिसाइड यूज़ करते हो तो कार्बोफ्यूरन, वरना इसके अंदर निमाटोड के लिए ऑर्गेनिक में आपको ट्राइकोडर्मा वीडी डालना पड़ेगा, तो आपका प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पौधा, जैसे यहाँ पानी टच नहीं होने दिया तो ये पौधा, ये मान लीजिए 90% चांस है ये सक्सेस होगा ही होगा, 10% में अगर कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम आ गई तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ये पौधा लगाने का सही तरीका है अमरूद का। आगे आने वाली वीडियो में आपको कश्मीरी थाई एप्पल का प्लांटेशन भी दिखाएंगे, आम का प्लांटेशन भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये जो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।